एडवांस एक्शन फॉर बकिंग प्रोफेशनल्स मैम, इस कोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा पहली क्लास है, तो सबसे पहले हम इस शुरू पे डिस्कस करते हैं कि हम एक्सेल का उपयोग करते क्या है, मतलब कि एक्सेल से ऑफिस में क्या क्या करेंगे। चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानते हैं। तो इससे बता दूं आपको कि हम इसमें जो है एक्सेल के थ्रू सबसे पहला काम करते हैं डेटा स्टोरेज। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डेटा स्टोरेज तो करते हैं बट हमारा एक्सेल डेटाबेस नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के कई सारे नियमों पे एक खरा नहीं उतरता है। ठीक है, तो डेटाबेस के कई सारे नियमों पे एक खरा नहीं उतरता है। तो इसमें कौन सा डेटा स्टोर करेंगे? इसमें डेटा स्टोर करेंगे मिसलेनियस। पहला डेटा कौन सा स्टोर होगा? मिसलेनियस। दूसरा होगा एनालिसिस। मिसलेनियस डेटा, जैसे कि मान लीजिए आप पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अटेंडेंस तो आप एक्सेल पे ही रखेंगे ना। उसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग के लिए टैली यूज करते हैं, लेकिन जो पेटी कैश का डेटा है उसको तो आप एक्सेल पे ही रखेंगे। आप 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है इसके लिए लेजर क्रिएट तो नहीं ना करेंगे टैली में। तो हम एक्सेल में उसका रिकॉर्ड रखेंगे और पेटी कैश में उसकी एंट्री कर देंगे, पेटी कैश अकाउंट में उसकी टोटल एंट्री करेंगे, बाकी डिटेल्स यहां रखेंगे। उसी तरह से जब आप रिपोर्ट बनाएंगे, मान लीजिए कोई डैशबोर्ड बना रहे हैं, तो डैशबोर्ड का जो डेटा होगा उसको तो हम एक्सेल में ही रखेंगे ना, तभी उसमें रिपोर्ट बनाएगी। जब पिवट लगाना है या किसी तरह से रिपोर्ट बनाते हैं तो डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, लेकिन ये डेटाबेस नहीं है। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज तो होती है बट दिस इज नॉट ए डेटाबेस। दूसरा, इसमें अगला जो टॉपिक आता है, इसमें वो अगला टॉपिक आता है कैलकुलेशन। एक्सेल का यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। जैसे कि एक्सेल में फीचर है कि आप एक सेल की कैलकुलेशन दूसरे सेल से कर सकते हो, जैसे कि 10+30 आप कर दिए, बाकी डेटाबेस में ऐसा नहीं कर सकते। एक्सेस में, सिक्वल में ऐसी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। कैलकुलेशन कर तो कर सकते हो, लेकिन पूरी की पूरी कॉलम। तो इसलिए इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अब क्या है कि हर चीज के लिए फॉर्मूला अवेलेबल हो, इसकी गारंटी तो नहीं रहे सर। ठीक है, तो हर चीज के लिए कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला ना हो, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जैसे कि अब मुझे ग्रोथ निकालना है, जैसे क्वार्टर वन है हमारे पास, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू। क्वार्टर वन पे 50 सेल हुआ, क्वार्टर टू पे 55 सेल हुआ, कितना परसेंट हमारा ग्रोथ हुआ? तो ग्रोथ निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। तो सिंपल करेंगे लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, और इसको हम बोर्ड मास मेथड में डाल देंगे ताकि दिक्कत ना हो। ये आपका 10% दिख रहा है, दिख रहा है सर। तो ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारी कैलकुलेशन, चाहे सैलरी की कैलकुलेशन हो, या इंसेंटिव की कैलकुलेशन हो, या ग्रेडिंग की कैलकुलेशन हो, ये सारी कैलकुलेशन हम एक्सेल में इजीली कर सकते हैं। ठीक है सुनील जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, आ रहा। ओके, दूसरा हम आता है, वो आता है एनालिसिस। एनालिसिस या उसको कर दीजिए रिप्रेजेंटेशन। तो अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है? क्योंकि प्रेजेंटेशंस के लिए तो हम यूज करते हैं ज्यादातर
ज्यादा यूज करते हैं पावर पॉइंट, लेकिन पावर लेकिन एक्सेल की बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो कि पावर पॉइंट में नहीं दिखाया जा सकता। जैसे एक रिपोर्ट मैं आपको भी ओपन कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट है हमारा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं रिपोर्ट बनाता भी हूँ, ये मंथली है, एक रिपोर्ट हमने बना लिया इसकी, एक एनालिसिस कर लिया हमने इसकी। अब इसके लिए मुझे अगर दूसरे महीने की एनालिसिस करनी हो तो मुझे दूसरा पावर पॉइंट बनाना पड़ेगा क्या सर? लेकिन क्योंकि ये एक्सेल में तो जस्ट यहाँ पे आपने जून की जगह पे आपने जुलाई सेलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट आपका चेंज हो गया। लेकिन पावर पॉइंट में तो ऐसा नहीं होगा, तो पावर पॉइंट में तो हमें अलग से अलग फाइल बनाने पड़ेंगे। अगर 12 महीने की रिपोर्ट है तो 12 फाइल्स बनाने पड़ेंगे, और यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट है तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्लाइड्स बनाने पड़ेंगे मुझे। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाते हैं, डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो केपीआई बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अलग अलग की से हम डेटा को एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट निकालते हैं। क्योंकि एनालिसिस आपको एनालिसिस रिपोर्ट हम बनाते क्यों हैं? इंफॉर्मेशन के लिए। और चौथा यूज है शेयरिंग का, कि किसी तरह का रिपोर्ट या डेटा को शेयरिंग करने के लिए एक्सेल सबसे अच्छा चीज है। अब मेरे पास तो टैबलू भी है, मेरे पास तो पावर पॉइंट भी है, फिर पावर बीआई भी है। तो मान लीजिए रिपोर्ट को मैं पावर बीआई के जरिए आपको भेजूंगा, तो आपको देखने के लिए पावर बीआई के एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी देख पाएंगे। लेकिन पावर बीआई आपके पास है या नहीं है, टैबलू है या नहीं है, इसके कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आपके पास एक्सेल तो जरूर होगा, इतना तो आइडिया है कि आपके पास एक्सेल जरूर होगा। अगर एक्सेल नहीं भी है तो आप जो है उसको एक्सेल गूगल सीट पे देख सकते हैं। मैं रिपोर्ट आपको भेजा, अगर आपके पास एक्सेल नहीं है तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और मेरी रिपोर्ट को देख लेंगे। ओके अब इसमें आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट का ये हमारा एक्सेल का यूज है। तो स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड शेयरिंग, चार तरीके से हम अपने एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। डेटा स्टोरेज, कैलकुलेशन, एनालिसिस एंड शेयरिंग। इसमें कोई डाउट है नवीन जी आपको? नहीं सर, सही है। नहीं ना, चलिए सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्कबुक स्ट्रक्चर की। जो हमारा वर्कबुक है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब चीजें मोस्टली आपको पता है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कोई चीज ना पता हो। तो ये जो हमारा वर्कबुक स्ट्रक्चर है, एक फाइल होती है, फाइल के अंदर में कई सारे शीट्स होते हैं, और शीट्स के अंदर में रो एंड कॉलम होता है, उसका जो इंटरसेक्ट होता है वो हमारा सेल होता है। जो भी हम डेटा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे स्टेटिकल हो, हम कहाँ डालते हैं? एक्सेल के अंदर में। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई पिक्चर है, क्या कोई कोई ऐसा कोई सैप्स है, उसको हम डालते हैं इसी पिक्चर के सेल के ऊपर, क्योंकि सेल के अंदर सिर्फ डेटा स्टोर होता है और हर एक सेल की एड्रेस होता है। जैसे कि इसका एड्रेस A1 है, मतलब कि ए रो एंड वन कॉलम। अब यहां पे एक चीज समझिए कि अगर मैंने यहां पे A1 कर दिया, इसका मतलब है कि करेंट सीट का A1। अब मुझे दूसरे सीट का चाहिए तो यहां हो जाएगा सीट नेम की यहां पे सीट टू A1, तो दूसरे सीट का A1 हो गया। तो अगर आपको रेफरेंस देना है उसी सीट से तो आप दे सकते हैं, किसी अनोदर सीट से देना है तो यहां पे आप उस सीट का नाम लिखना होगा। कोई अनोदर फाइल से आप देते हैं तो फिर उस पूरी फाइल का डेटा आएगा, जैसे आ जाएगा।
अब ये फाइल में देखिए उसका पाथ नहीं है। अब मैं सैलरी ऑटोमेशन विद पीडीएफ वाली फाइल जो हमारी है उसको मैं यहां से क्लोज करता हूं। अब देखिए इसका पूरा पाथ आपको दिखेगा, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर पाथ नहीं दिखता है, आप में पाथ दिखता है, मेरे पाथ नहीं दिखता है, तो इसका यही है कि पाथ। अब देखिए दिक्कत हो गई, अब जैसे क्लिक लिया पूछता किस सीट से, तो मैंने बोला सीट 3 से, सीट 3 के AC14 से लिंक है। ये हमारा रेफरेंसिंग सिस्टम है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज और बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल्स दिया, यहाँ पे कुछ सेल्स देता हूँ। अब मुझे इसमें हर सेल्स में 20 जोड़ने हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे 20 कर दूंगा। तो सेल का एड्रेस इसलिए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 85 + 20 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो सेल से लिंक नहीं होगा, सेल्स में कुछ चेंज होगा तो चेंज नहीं होगा। जैसे सेल्स का एड्रेस लेते हैं, मतलब कि A2, इट मीन्स A2 की वैल्यू +20। इसकी रेफरेंसिंग सिस्टम एक खासियत यह है कि अगर मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो रेफरेंस अपने आप चेंज हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि मुझे हर एक सेल पे जाके फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक को लगाया और अपने आप लग जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है, अगर ये ना होता तो काफी दिक्कत होता। मान लीजिए आपको 10,000 रो है और सब पे आपको फॉर्मूला लगाने हैं, तो सारे फॉर्मूले में आपको दिक्कत होगा, एक एक सेल में लगाने में दिक्कत होगा। तो यहां पे ये आपके लिए बेनिफिट्स होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, तो एक डिसएडवांटेज भी है हमारे पास। जैसे मैंने D1 पे 20 लिख दिया, अब मुझे D1 की वैल्यू को A की कॉलम की वैल्यू में डालना है। तो अगर मैं यहां पे D1 करता हूं तो यहां देखिए देखिए, जो नीचे ड्रैग करूंगा तो A2 अगर A3 होगा तो D1 भी D2 होगा, क्योंकि ये रेफरेंसेस। इससे दिक्कत है क्योंकि तो अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे मैनुअली लगाना पड़ जाएगा। तो हमारे पास एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। हम क्या करेंगे, 1 के आगे डॉलर का साइन दे देंगे, डॉलर का साइन दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि नीचे ड्रैग करेंगे तो A2 हमारा फिक्स हो, A1 A2 तो ना चेंज होगा लेकिन A1 फिक्स होगा, क्योंकि हमने डॉलर लगा दिया। इसका मतलब हमने एब्सोल्यूट कर दिया, या आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया। लेकिन हमने रो के आगे लगाया था, सिर्फ रो नंबर फ्रीज हो, जब नीचे ड्रैग करेंगे तो रो हमारा फ्रीज होगा, लेकिन जैसे मैं इसको लेफ्ट राइट करूंगा, कॉलम वाइज ड्रैग करूंगा, तो D जो है हमारा E बन जाएगा, क्योंकि हमने ई के आगे डॉलर, डी के आगे डॉलर नहीं लगाया। आप दोनों को डॉलर लगाना है तो दोनों लगा सकते हैं। तो आपको कॉलम को फ्रीज करना है तो कॉलम का आगे लगाइए, रो को फ्रीज करना है रो को लगाइए, दोनों को फ्रीज करना है तो दोनों का आगे लगाइए। ये आगे चल के फॉर्मूला में आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है नवीन जी और सुनील जी, समझ में आया ये एड्रेसिंग सिस्टम? कोई जी सर। डाउट इसमें? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन इसमें ये आता है, चलिए अभी तो मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ कि हाँ ये चीजें ये होती है, लेकिन कल के डेट में आप सारी चीजें याद तो नहीं रखेंगे ना सर, क्योंकि तो आप लोगों की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी अच्छी तो नहीं है कि जो आप याद रखेंगे। तो अगर इन फ्यूचर में कुछ भूल जाते हैं, इन फ्यूचर में अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप जो है
जैसे मान लीजिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भूल गया, तो इस पर कर्सर रखते ही आपके यहाँ पे स्क्रीन टिप्स आ जाएगा, ठीक है? कर्सर रखते ही आपको स्क्रीन टिप्स आ जाएगी। तो अगर इस इंग्लिश टीम के और ज्यादा चाहिए तो यहीं पे नीचे आपको दिख जाएगा टेल मी मोर। लेकिन जनरली हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो गूगल में पूछते हैं ना, क्या सर? जनरली हमें प्रॉब्लम होती है तो गूगल में पूछते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि गूगल पे हर चीज के बारे में नहीं मिलेगा, गूगल पे आपको हर चीज के बारे में नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा तो उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग जो है डालते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैं गूगल यहाँ हेल्प, आपको गूगल पे इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन सही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें दी गई है वो सारी की सारी आपका प्रूफ रीडिंग के साथ दी गई है, तो यहाँ पे आप इजी तरीके से सर्च कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए शॉर्टकट का ढूंढना है आपको, शॉर्टकट पढ़ना है आपको, शॉर्टकट ढूंढना है आपको, तो आप यहां पे इसको ढूंढ सकते हैं। यहां पे शॉर्टकट हमने दे दिया, यहां पे देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल, ये सारे शॉर्टकट आपको यहां दिख गए, ठीक है? उस तरह से मान लीजिए मुझे लिमिटेशन पता करना है, तो यहाँ पे लिमिट्स हमने सर्च किया और यहाँ पे देखिए लिमिट आ गई। तो एक्सेल हेल्प में आप जो है सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए सारे लिमिटेशन है, तो लिमिट को शॉर्टकट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे ओपन वर्कबुक लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रो, कॉलम विड्थ, कॉलम की हाइट, पेज ब्रेक्स, कितने नंबर करेक्टर में डाल सकते हैं, कितने करेक्टर हीडर हो सकती है, फुटर हो सकता है, वगैरह वगैरह, दिख रहा है आपको? ये लिमिटेशन है। तो एक्सेल हेल्प भी बहुत अच्छी चीज है, आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि गूगल पे आपको हर एक चीज सही नहीं मिलेगी। तो एक्सेल हेल्प का यूज कैसे करना है समझ में आ गया सुनील जी और नवीन जी? जी सर, लेकिन एक्सेल आपका आपके पास अगर लेटेस्ट वर्जन जैसे 16 13 19 है, तो आपका ये जो एक्सेल हेल्प है ये ऑनलाइन है, इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन होना जरूरी है। अब दूसरा हेल्प की बात होती है तो एक हमारे पास आता है एक्सेल टेम्पलेट। एक्सेल टेम्पलेट के बारे में बात करते हैं, बात करते हैं टेम्पलेट। मान लीजिए मुझे इनवाइस बनाना है या किसी तरह का रिपोर्ट बनाना है, तो अब मैं यहां न्यू पे जाऊंगा, तो मैं न्यू पे जाऊंगा तो यहां पे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, तो आप इसमें सर्च कर लीजिए बिल या इनवाइस, इतने सारे फॉर्मेट दिख गया जो आपके लिए सुटेबल है, उसको बस क्लिक करके क्रिएट कर लेना है, आपका डाउनलोड हो जाए। अब इसमें अपना जो डालना है डालिए और यूज करिए।
उसके बाद जैसे जैसे और भी फॉर्म सोर्सेस इस पे क्या बोलते हैं टैबलेट को आप ढूंढ सकते हो, तो ये बने बनाए आपके सामने ऑन होता है, जैसे कि इसमें मैंने डाल दिया मालिक जी कि मुझे बैलेंस शीट चाहिए, के चार फॉर्मेट आपको दिख गया जो आपके लिए सुटेबल है, ढूंढ देखिए और डाउनलोड करके यूज कीजिए अपना। ठीक है सर, इसमें ऐसे बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे, और एक्सेल को समझने के लिए आप पहले से किसी के टेम्पलेट्स को डाउनलोड कीजिए, अलग अलग कैटेगरी का है जैसे पर्सनल प्लानर सब दिखेगा आपको यहाँ। ठीक है, तो आप अभी क्या करें कि आप कम से कम 20 टेम्पलेट को डाउनलोड करें और उसको देखें कि किस तरह से बना हुआ है। जैसे लोन कैलकुलेटर ही देख लीजिए आपका, ये आपका लोन कैलकुलेटर है। ओके तो ये देखिए पूरा बड़ा बड़ा लोन का शेड्यूल है, तो मैं इसमें डालता हूँ कि लोन अमाउंट मान लीजिए 3 लाख डाला, ये 3 सालों में लोन स्टार्ट मान लीजिए मैंने बोला 25 मंथली आपका आ गया 36 महीने का पेमेंट है, टोटल इंटरेस्ट 74,000 हो जाएगा, लोन टोटल कॉस्ट हो जाएगा ये, और ये देखिए 2020 से 2000 ये पहले से बना हुआ है ना, इसलिए लोन का पूरा शेड्यूल आ गया 22 तक चलेगा। तो पूरी कैलकुलेशन है, तो इसको एक बार डाउनलोड करके देखिए। ठीक है सर, तो सर आज के लिए इतना ही।